मुझे भी थोड़ी पिलाओ। ओ ना ना ना, देखिए ये पुराने जहाज के बेड़े के मलबों से बने पीपों में रखी 1000 साल पुरानी शराब है, ये कोई मामूली इंसान के लिए नहीं है। हमारे हाजमे को आजमाओ बच्चे, डराना बंद करो और जल्दी पिलाओ। ठीक है। मैं कौन हूँ? वर्दी पहनने को तो मिलेगी ना, बड़ा शौक है यार वर्दी का। सॉरी यार, मैं समझ गया, बस जरा एक्साइटेड हूँ। और ऊपर से तेरी ये पटाखा कुड़ी कितनी हॉट है, मेरे तो तोते उड़ जाते हैं। आप बहुत खूबसूरत हॉट है मैम। कोई रोक इसे। लुईस ये मेरी पटाखा। मैंने तो एक ट्रिक भी सोची है कि जब मैं जासूस बन के जाऊंगा ना तो सीटी मारूंगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा। नहीं कोई सीटी नहीं, सीटी नहीं बजानी है, हम कोई डांस देखने नहीं जा रहे हैं, कोई सीटी नहीं बजाएगा। सच बता तू फर्स्ट टाइम कर रहा है ना? पूछताछ मोड बंद कर दो। देख दोस्त, तू जानता है ना ये लोग कितने खतरनाक हथियार बेच रहे हैं? अगर ये हमारी गलियों तक पहुंच गया ना तो हमारी सभी दुकानों की छत डलमार की तरह उड़ी हुई। डलमार गया है? हाँ, यहाँ का बेस्ट सैंडविच शॉप सब हेवन, उससे भी अच्छा है। उसका ब्रेड अच्छा नहीं। तू वड़ा पाव खा। कम ऑन मैन प्लीज। तुम सब हमारे पैरों की धूल हो, हम विनाश के देवता है बेवकूफ इंसानों, और तुम लोग मुझे इस तरह परेशान नहीं कर। जेल में सुरंग सूट कौन तेरा बाप सिएगा? दस ए राजू, चल हो जा बाजू। उसके साथ कोई डील क्रैक करने वाला है। यस यस। ओए 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 ओए, मैंने तुझे एड्रेस नहीं दिया, तू जा कहां रहा है बे? ओ ओ हां, आई एम सॉरी, थैंक्स। हां क्या एड्रेस? मैं तुझे एक एडवाइस दूं, ये पूछताछ तुमसे ना हो पाई बेटा। मतलब क्या बात करे भाई, सब डरते मुझसे। स्टैटन आइलैंड फेरी 11 बजे। इतनी जल्दी? हे वो 2 घंटे में पिघल जाएगा। ये दो खिलौने बड़े प्यारे हैं, मैं इन्हें मिडगार्ड की एक जगह वासेपुर से लेकर आया था। इन्हें नाम भी दिए हैं बर और बादी। अगर इन्हें साथ में चलाया तो बर्बादी। तुम दोस्ती के नाम पे कलंक हो। तुम बड़ा कलंक। पता है हम तुम्हें क्या बुलाते हैं? बुद्धू एवेंजर। तुम डेंगू एवेंजर। हम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, दोनों के भेजे का फ्यूज शॉट है। सेम टू सेम, हल्का आग जैसा तो पानी जैसा। वैसे हम दोनों आग जैसे हैं। और हल्का असली आग जैसे ज्वालामुखी, और जैसे मोमबत्ती। मैं अपनी मुसीबतों से भागता नहीं, उनसे भिड़ता हूं, क्योंकि हार के जीते। क्योंकि वही होता है असली हीरो। लौंडा तगड़ा है। लौंडा ही है ना? हाँ लौंडा ही है। तुम हो कौन? मैं हूँ तूफान का। वाह, बादल तो नहीं गरजे, लेकिन वो उंगलियों में क्या था? फुलझड़ियां? मेरे गले से चिपको हटाओ फिर बताता। हाय हाय, देखो तो मुझे धमका रहा है। ए फुलझड़ी, अगर तुम जाना चाहते हो ना वापस अपने आजमगढ़ या एस जो भी है। एस्कॉट। बेटा बिल्कुल मत हिलना, क्योंकि मेरे हाथ आजकल कुछ ज्यादा ही कांपते हैं। ओडिन की दाढ़ी की कसम, अगर तुमने मेरी जुल्फों को हाथ भी लगाया तो तुम पे थॉर का कहर बरसेगा। प्लीज प्लीज दया कीजिए सरकार, मेरे बाल मत काटिए। स्वागत है, अपना नाम बताएं। थॉर। प्रवेश निषिद्ध। तूफान का देवता। प्रवेश निषिद्ध। बाहुबली एवेंजर। प्रवेश निषिद्ध। महाबली एवेंजर। प्रवेश निषिद्ध। कमीने स्टार्क। चोटी मास्टर। स्वागत है चोटी मास्टर। थोड़ा वो आंकड़ा जा रहा है। इसकी माँ का सकीना का। लेफ्ट लेफ्ट। उम्मीद करो कि इस मौसम में कोई हादसा ना हो जाए। तेरा नहीं, तेरा लेफ्ट कमांड। मुझे नहीं लगता तेरे पास कोई प्लान। आज और यहीं अभी ये प्लान पैदा हुआ है। प्लान पैदा कैसे हो सकता है? तुम कोई सवाल नहीं पूछ सकते तुम्हारे नोवेयर के कारनामे के बाद। मैंने अभी बचाया क्विल को। हमारी पहली बात हो चुकी है कि इस जहाज को उड़ाकर तुम मुझे बचा नहीं रहे थे। ये बात कब हुई थी? अभी 3 सेकंड पहले। ओ, मैंने सुना नहीं, मैं असल में कुछ और सोच रहा था। छमिया सही बोली, तू कुछ नहीं पूछ सकता। प्लान क्या है? पता नहीं, अभी तो पैदा हुआ है। फेंकता है साला।
केबल पुलवा के नीचे। अरे यार कहावत ऊंट के नीचे आने की, ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, ये पारिवारिक फिल्म है। सही बात है, जो बोलना है बोलो, बाद में बीपी करेंगे। इसकी माँ की चूड़ियाँ और उसकी माँ का भोपाल। डाले की बात करूँ तो मेरा फेवरेट है कुत्ता। तेरे को जेल में लाता। कैप्टन, हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ध्यान से सुनो गधों, इस जहाज पर खड़े मामू के हाथ में एक हेड्रॉन एनफोर्सर है, अब उनका बनाया हुआ फाड़ू हथियार। ये लल्लन कौन है? अगर फौरन मेरे साथियों को छोड़ नहीं दिया तो तेरे जहाज को फाड़ कर रख देंगे, सिलाने के लिए धागा भी कम पड़ जाएगा। चिरकुट फेंकता है। मैं बस पांच तक गिनती गिनूंगा। अबे रॉकेट, मैं हूँ, सब ठीक है, हमारी बात हो। मैं डिटेल में प्लान बता रहा हूँ और तुम ओए कुछ पल्ले पड़ा, मैंने क्या कहा? प्लान प्लान सुन के मेरे हेड में हेडेक होता है। लो, ये टकला अपनी फिल्म बना रहा है। देखो, हम प्लान के हिसाब से तो कभी नहीं चलते, तो फिर ये करते क्या है? कह कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये तो कचरा है कचरा। ये डेस्क तूने जरूर किसी कबाड़ी से खरीदी होगी। कोई नहीं यार, चोर बाजार से लाया था, चांदनी चौक का चिंदी चोर नहीं का। होप, प्लीज हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें उस लैब को ढूंढना है। न जाने कहां गई। ओ यार, मैंने ना एक किस्सा सुना जैसे हमारे साथ हुआ वैसा। एक साइको पगलेट भूतनी जो दीवार के आर पार हो जाती है, जैसे जैसे चुड़ैल। वो चोटी का चुड़ैल जैसी। अरे वो चुड़ैल चोटी काट, जो रात के अंधेरे में चोटी काट के छुमंतर हो जाती थी। कहीं आपकी तो नहीं काटी? चुराया किसी ने भी हो, ढूंढना हमें है। ऐसे लोगों को तुम नहीं ढूंढ सकती, वो तुम्हें ढूंढेंगे। जैसे चोटी काट चुड़ैल। स्टॉक एक बीमारी है। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। तोड़ना पड़ा तो किसी को कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं। जाहिर है तुमने कभी ऑमलेट नहीं बनाया। अरे यार, ये जोक तो मैं मानने वाला। मामू, वो मुझे देख नहीं सकता। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वो मुझे देख सकता है। हाय, मैं हूँ स्कॉट। क्या उसने कहा हाय मैं हूँ स्कॉट? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। फाल्कन खुश हुआ, और तुम हो कौन? मैं एंटमैन हूँ। एंटमैन? क्यों, मेरे बारे में कभी सुना नहीं क्या? कैसे सुनोगे, मार्केट में नया हो ना। हाँ तो चीटियों के सरदार, यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक खास टेक्नोलॉजी उठाने आया था मैं, कुछ दिन के लिए वापस लौटा दूंगा। वो दरअसल दुनिया बचानी है ना, तुम तो जानते हो। हाँ, हमसे बेहतर और कौन जानता है। ध्यान से सुनिए भाई, हम सुन रहे हैं। बास्किन रॉबिंस, हमारा मैंगो फ्रूट ब्लास्ट ट्राई करना चाहेंगे? नहीं थैंक्स, मुझे चाहिए, मुझे एक बर्गर चाहिए। ओ, हम लोग बर्गर नहीं रखते। समोसे, गरम गरम समोसे चटनी के साथ, लहसुन की चटनी। सिर्फ आइसक्रीम है, बास्किन रॉबिंस है। तो ऐसा कुछ दे दो जो गरम और ताजा हो। यार स्कॉट, मेरी कैबिन में आना इसी वक्त। जरूर, अभी आया डेल। रॉबी, इस बेवकूफ को आइसक्रीम उबाल के दे दो। इन्हें फ्रीज कर दो। चार्ज नहीं कर सकता।